हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे 5 को डबल लाइन पर रिप्रेजेंट कर चुके थे, 2 बाई 7 कर चुके थे, 22 ओवर 7 कर चुके थे। आज हम बात करेंगे माइनस 1 बाई 3 माइनस 2 बाई 5 एंड 4 ऑल 1 बाई 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारा 4 नंबर क्वेश्चन आज का है, उनका 4 बात करते हैं माइनस 1 में। अब तक हम जो नंबर रिप्रेजेंट किए थे पॉजिटिव था, हमने बताया था आपको पॉजिटिव था 2 बाई 7 था, याद करेंगे। ये आपको जो बन रहा था 0 और 1 के बीच, जब नोमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, जब नोमिनेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा हो तो उसको डिवाइड कर देते हैं, 7 से 4 के डिवाइड किए थे और उसको मिक्स फ्रैक्शन 4 के देखते थे, जो हॉल पार्ट्स था उसके बाद फ्रैक्शन पार्ट्स था, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन पार्ट्स था उसको देखते थे, हॉल पार्ट्स प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन पार्ट्स आ जाता था, उसमें उस तरफ की ओर बनता था। जैसे इसको हमने लिखा था 22/7 को लिखा था 3 और 1/7 लिखा था, इसको हमने लिखा था 3+1/7, यानी कि 3 और 4 के बीच में बने प्लस बात वही होगा, नेगेटिव हटा के सोचेंगे इस तरफ में सोचेंगे, यानी कि इसको मैं देखो कैसे होता है। तो हमारा ये क्वेश्चन है, हमने एक नंबर लाइन बनाया माइनस के, हम जान रहे थे 0 और माइनस 1 के बीच में का, तो हम लोग 0 यहां पर मान लेंगे, अच्छी तरह से हमारे जो कि हम इसको ले लो 0 और माइनस 1 के बीच में का, ये हम नीचे डिवाइडेड 3 है, हम लोग पार्ट ले लो 1 2, ये हम इक्वल डिस्टेंस पे 2 और ये हमारा 3 हो गया, 1 2, ये हमारा 3, 3 के डिस्टेंस हो गया माइनस 1, इतना ही डिस्टेंस पे हमारा जो हो जाएगा ये माइनस 2 हो जाएगा, और इतना ही डिस्टेंस तो हमारा हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, इतना ही डिस्टेंस तो हो जाएगा 1, इतना ही डिस्टेंस हो जाएगा। हमारा जो रिप्रेजेंट होगा माइनस 1/3 होगा, तो ये हो गया माइनस 1/3, ये माइनस 2/3, माइनस 3/3, माइनस 1/3, माइनस 2/3, माइनस 3/3, दैट मींस माइनस 3/3, दैट मींस माइनस 1। और अगर यहां बात करेंगे तो ये हम माइनस इसको 3/3 को तोड़ेंगे तो माइनस 4/3, माइनस 5/3, माइनस 6/3, माइनस 6/3, गैप में जरा सा गड़बड़ थी, अगर गड़बड़ होता तो फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर सही बनाएंगे। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 में माइनस 2 होता है, 5 दिया हुआ है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो माइनस 2 होता है 5, तो माइनस 2 बाई 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए याद करेंगे प्लस 2 बाई 5 का, तो कैसे रिप्रेजेंट किया, 2 मीटर का पहला मीटर आसान मीटर का हम पहले आएगा, तो फिर आते हैं दूसरे मीटर डायरेक्टली माइनस 2/5 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, नंबर लाइन बनाएंगे इक्वल गैप में देंगे, ऐसे 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 कोई भी एक मीटर से बनाएंगे आपको, दोनों में से कोई एक मीटर बनाएंगे आपका सही होगा, जो आपको इजी लगता है उससे बना देंगे, माइनस 2/5 माइनस 2/5 करेंगे तो आपको यहाँ माइनस 2/5 मिलेगा, तो क्या अब इधर माइनस 3/5 होगा या इधर माइनस 3/5 होगा, मैं कुछ याद लाता हूँ आपको, नंबर लाइन से थोड़ा सा याद लाता हूँ आपको, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये माइनस 1 है, ये माइनस 2 है, ये माइनस 3 है, ये माइनस 4 है, सपोज माइनस 1 यानी इधर इंक्रीज कर माइनस से नेगेटिव नंबर इधर, तो माइनस 13 इधर होगा, 13/5 माइनस 14/5 माइनस 16/5 माइनस 17/5 इधर इंक्रीज करेगा आपको नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव इधर की ओर इंक्रीज कर रहा है, इधर इधर की बात करते हैं, तो ये रहेगा माइनस 11/5 माइनस 10/5 माइनस 9/5 माइनस 8/5 इस तरह से नंबर है। अब आपको माइनस 12/5 को एडिट करना है, इसको मान लेते हैं, सपोज ये है f, हियर f रिप्रेजेंट माइनस 2/5 बाउंड्री नंबर लाइन, यहां पर लिख सकते हैं हियर f रिप्रेजेंट माइनस 2/5 बाउंड्री नंबर लाइन, तो ये एक मेथड हुआ। एक और आप मेथड और हम करते हैं, एक और मेथड क्या है, एक और मेथड, एक और मेथड बात करते हैं, अगर इसी क्वेश्चन को माइनस 2/5 को हम सिर्फ 2/5 पर सिर्फ करते हैं, 2/5 इसको मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं, 5 को जो आपका होता है 10 कैरी बचता है, उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो आपको लिखने के बाद जो होता है इसको लिखते तो आपका होता है 2/5 होल 2/5, इस तरह से आपको फैक्टर 10 होल 2/5
तो आपको वो भी 12 रखना है, 6 को माइनस 2 रख दे, रिलेशन 2 हल 2 / 5 मिल सकता है। फिर इसको हम थोड़े ऐसे माइनस 2 प्लस 2 हल / 5 इसको बदल थोड़ा फ्रैक्शन में। अब ये माइनस से इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसको ऊपर से, तो माइनस 2 ये ऊपर से हुआ प्लस माइनस हो गया, बोलिए ब्रैकेट में हुआ माइनस से सब माइनस से सब फिर 2 / 5। अब इसी को सेपरेट कर सकते हैं, हम लिखे सेपरेट करके माइनस 2 प्लस माइनस 2 / 5 से लिख सकते हैं ऐसे। मतलब कहने का मतलब है हमारा जो नंबर लाइन बनेगा, हमारा जो नंबर लाइन आपको बनेगा, ये नंबर लाइन हमारा बनेगा माइनस 2 में प्लस होगा, माइनस की तरफ प्लस होगा उस तरफ प्लस होगा, यानी कि माइनस 2 और माइनस 3 की भी बनेगा। आप देखेंगे कि माइनस 2 और माइनस 3 की भी इंक्रीज का मतलब है उस तरफ इंक्रीज करने का मतलब इस तरह से, यानी और कम हो जाएगा ये माइनस 2 में माइनस 2 / 5 माइनस होगा, अगर यहाँ पर देखें तो माइनस 2 में माइनस 2 / 5 और कम हो रहा है यानी कि माइनस 3 और कम हो रहा है, तो माइनस 2 और माइनस 3 के बीच, क्योंकि हम माइनस 2 पे आते हैं इससे पहले अगर बात करें प्लस पे आते हैं थोड़ी देर पहले प्लस बात करें 2 प्लस 2 / 5 होगा, हमारा जो नंबर लाइन होगा वो 2 और 3 के बीच में कहीं बनता है इधर यही पे बनता है प्लस की, अगर यही माइनस की होगा यहाँ अगर माइनस लगा तो माइनस 2 और माइनस 2 / 5 होते हैं, तो ये माइनस 3 और माइनस 2 के बीच कहीं बनता है माइनस 2 एंड माइनस 3 के बीच बनेगा। तो यहाँ और जो है यहाँ पर सपोज हम मानते हैं यहाँ पर ये हमारा माइनस 2 है, अब इसके और पार्ट को लेते हैं, इसके नीचे वाले 2 / 5 को आपको आपको प्रॉपर पार्ट जो है देखिए माइनस 2 ये माइनस 2 हमने यहाँ आ गया, फिर माइनस 2 / 5 इधर की ओर आएगा, नीचे में डिनोमिनेटर को लेते हैं, डिनोमिनेटर हमारा 5 है तो 5 स्मॉल बॉक्स बनाएंगे 1 2 3 4 और ये हमारा जो 5 होगा वो माइनस 3 होगा, नीचे में जो रहेगा 1 2 3 4 एंड 5। तो हम काउंट करेंगे इधर से कितने कैरेज कराएंगे, तो हमारे ये 2 है इधर से 2 कैरेज आएंगे 1 2, तो ये हमारा जो होगा ये हमारा कैरेज पहुंच गए, अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ पहुंचता, अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ पहुंचता, और 5 होता है 5 मतलब वो 4 हो जाता और 3 हो जाता, इसलिए यहाँ पर पहुंचे हम, तो ये माइनस हमारा जो क्वेश्चन था क्या था, ये माइनस 12 बाई क्या हो गया 5, हम लोग इसको लिखेंगे हेयर इफ रिप्रेजेंट माइनस 12 बाई 5 ऑन द नंबर लाइन, इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको अब है 4 होगा 1 बाई 5, हमने इसको मिक्स पर सुन कर यहाँ जैसे बताया गया था, अगर पॉजिटिव केस होगा तो इस केस में बनाएंगे, इससे पहले जैसे देखे थे हम लोग 22 और 17 जैसे देखे थे उसी 4 प्लस 1 बाई 5 को बना लेंगे, अगर यहाँ नेगेटिव होता तो ये जैसे नेगेटिव का केस देखे थे, नेगेटिव का केस देखे थे तो इस तरह से नेगेटिव का केस बना लेंगे, फिर भी मैं एक बार बता दूंगा आपको 6 नंबर बता दूंगा, आप दो मोड करेंगे इसको प्रैक्टिस दोनों से बनाने का कोशिश करेंगे, जब मैं दोनों से बनाने की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो अगर 6 नंबर क्वेश्चन जो आपका है 4 होल 1 बाई 5 इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 1 बाई 5 बहुत आसान है, 4 प्लस 1 बाई 5 डायरेक्टली आप इसको ऐसे मानो तो 4 आपका सबको ये 4 है और 1 बाई 5 लेना 5 का वन मल्टीपल तो लेना 1 2 3 4 5 ये 1 2 3 4 5 ये आपको हो गया 5, क्योंकि 4 के बाद आता है 5, ये 5 है हमने 5 इसको देख के लिया 1 2 3 4 5 ये और ये हो गया 5, इतना ही क्वेश्चन हो जाएगा 6, इतना ही क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा 3 4 5। अब हमको 1 बाई 5 1 बाई 5 मतलब 1 बाई 5 2 बाई 5 3 बाई 5 4 बाई 5 तो ये 1 बाई 5 1 बाई 5 मतलब होना हो गया 4 हो 1 बाई 5 ये 4 हो 1 बाई 5 हमारा ये हो गया, मान लेते हैं क्यूरी प्रोजेक्ट 4 हो 1 बाई 5 ये नहीं मिल गई तो क्यूरी प्रोजेक्ट 4 हो 1 बाई 5, अगर इसको अगर मिक्स कर तो ये इनकॉर्पोर तो 5 4 या 20 है बात करें 4 हो 1 बाई 5 5 4 या 20 1 20 1 बाई क्या हो गया 5 यानी 21 बाई 5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आपको एग्जांपल में दिया हुआ जो सिंगुलर नंबर है, यहां हम लोग सिंगल सिंगल नंबर को रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन, अगर दो नंबर में है एक पॉजिटिव में रहे एक नेगेटिव में रहे तो उसको नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 हम बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 रिप्रेजेंट -2/3 एंड या मान लेंगे -2/7 एंड 2/7 ऑन दी नंबर लाइन, एक ही नंबर लाइन या ऑन अ नंबर लाइन, ऑन की नंबर लाइन या ऑन अ नंबर लाइन एक ही नंबर लाइन पे कोई डिफरेंस करता है, एक कंबाइंड नंबर लाइन पे एक ही नंबर लाइन पे कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह क्वेश्चन का एग्जांपल तो दिया हुआ है, नंबर उधर का होगा कैसे बनाएंगे, बस वही सिस्टम बहुत आसान है, आप एरोहेड लेंगे आप कंसीडर कर लेंगे कहीं पे एक बार 2/7 सपोज हमें यहां कंसीडर किया 2/7 आप डिस्टेंस बना लेंगे ऐसे सेम डिस्टेंस गैप आपको सेम होना चाहिए, एक बार टेन इस तरह से गैप बना के आप इस तरह से गैप बना लेंगे। अब आते हैं सपोज हमारा ये 2/7 सपोज ये हम लिख दे 2/7
तो ये हमारा अगर इधर आया तो 3/7, इधर आया तो 4/7, इधर आया तो 1/7, इधर आया तो 0/7, इधर आया तो -1/7, इधर आया तो -2/7, इधर आया तो -3/7, इधर आया तो -4/7। तो यहां पे देखिए -2/7 और +2/7, तो यहां हमको मिल गया। सपोज इसको हम लोग अगर m से इंडिकेट कर रहे हैं तो इसके नेगेटिव नंबर को सेम m डैश से इंडिकेट करते हैं, बेटर होता है m एंड m डैश अलग अलग अल्फाबेट की मान सकते हैं। m डैश मतलब उसी नंबर को पॉजिटिव में है और उसी नंबर को नेगेटिव में, तो सेम लेटर को एक वो आपको डायरेक्टली m लिखते हैं उसके ऊपर एक डैश लिखते हैं, डैश लिखते हैं। तो यहां देखिए हियर अगर हियर m एंड m डैश रिप्रेजेंट m, पहले m आ रहा है इसमें 2/7, अगर m डैश अगर पहले अगर पहले अगर पहले m डैश अगर यहां पहले m डैश और m लिखे तो m डैश मतलब -2 है परी प्रोजेक्ट -2/7 एंड 2/7 ऑन द नंबर 5। आई थिंक यहां तक आपको नंबर लाइन क्लियर हो गया। इस पे बेस्ड आपको साइड में क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनाना है, जितने भी नंबर लाइन बनाना है वो आप कॉपी में बनाएंगे, पेंसिल कलर से बनाएंगे। आपको होमवर्क रहा एसडब्ल्यू वर्क जो मिल रहा आपको एक्सरसाइज 4B1 क्वेश्चन नंबर 1 का और आपको सारा बनाना है। कोशिश करें तो जो दो मीटर से बन रहा है उसको दो मीटर से बनाएंगे, जो सिंगल मीटर से बन रहा है उसको सिंगल मीटर से बनाएंगे। आप एक्ट्रेस बनाएंगे इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, आप कोशिश करें क्वेश्चन बनाने के लिए, क्योंकि आपको अलग अलग क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं बुक पर जो है एग्जाम में वही क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम आए, यहाँ नंबर बदला हुआ एग्जाम में मिलेगा। तो आप प्रैक्टिस करेंगे इसको खुद से, आज ही तक रखते हैं, थैंक यू।